इस लेखक के द्वारा एकत्रित तथ्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सभी महान प्रतिभाशाली लोग यौन ऊर्जा से ओतप्रोत थे। यौन संपर्क दिमाग का सबसे बड़ा उद्दीपक है और ये तथ्य यहाँ वर्णित किए गए सिद्धांत को समर्थन देता है। आर्थिक शक्ति के स्रोत की पड़ताल करने के लिए हम बिग सिक्स के रूप में ज्ञात शिकागो समूह का अध्ययन करेंगे। इस समूह में W.M. रिगले जूनियर, जिनका अपने नाम पर च्युइंगम का व्यापार है और जिनकी अपनी निजी आय एक वर्ष में $1.5 करोड़ से अधिक मानी जाती है। जॉन आर थॉम्पसन, जो अपने नाम पर लंच रूम की एक श्रृंखला संचालित करते हैं। मिस्टर लास्कर, जो लॉर्ड एंड थॉमस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मालिक हैं। मिस्टर मैकुलाफ, जो पारमेली एक्सप्रेस कंपनी, जो अमेरिका में सबसे बड़ा ट्रांसफर व्यापार करती है, के मालिक हैं। मिस्टर रिची और मिस्टर हर्ड्स, जो येलो टैक्सी कैब के संचालक हैं, शामिल हैं। एक विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग कंपनी का अनुमान है कि इन 6 लोगों की वार्षिक आमदनी $2.5 करोड़ से भी अधिक है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति औसत $40 लाख से भी अधिक कमाता है। इनमें से किसी भी व्यक्ति ने उच्च शिक्षा हासिल नहीं की है और सभी ने अपना व्यापार पूंजी या व्यापक साख के बिना ही शुरू किया था। उनकी वित्तीय उपलब्धियों का कारण उनकी खुद की योजनाएं हैं और इसके पीछे किसी संयोग या भाग्य का हाथ नहीं है। कई वर्ष पहले इन 6 लोगों ने एक मित्रवत गठजोड़ बनाया था और लंबे समय तक अपने व्यापारिक उद्यम की विभिन्न और छोटी छोटी चीजों पर एक दूसरे के साथ विचारों एवं सुझावों का आदान प्रदान किया था और एक दूसरे का प्रयोजन सिद्ध करने में आपसी सहायता प्रदान की थी। हर्ट्स और रिची के अलावा 6 में से कोई भी व्यक्ति वैध साझेदारी के द्वारा आपस में नहीं जुड़ा था। उनकी बैठकों का प्रयोजन केवल आपस में विचारों व सुझावों का आदान प्रदान करना और कभी कभार किसी आपात स्थिति में समूह के किसी सदस्य को आवश्यक मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन देना था। उन्होंने ये सीख लिया था कि अपने अलग अलग दिमागों को समन्वित करके किस प्रकार से सामंजस्य की भावना के साथ एक मास्टर माइंड का निर्माण करना है। ये मास्टर माइंड समूह के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन दरवाजों को खोल देता है जो कि मानव जाति के अधिकांश लोगों के लिए बंद होते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली औद्योगिक संगठनों में से एक है। इस विशालकाय औद्योगिक संगठन का विचार एल्बर्ट एच गैरी के दिमाग में विकसित हुआ था। वे एक छोटे से कस्बे में रहने वाले वकील थे जिनका जन्म और पालन पोषण शिकागो के निकट इलिनोइस नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था। मिस्टर गैरी के चारों ओर ऐसे लोगों का समूह था जिनके दिमागों को सफलतापूर्वक मिश्रित करके उन्होंने एक पूर्ण सामंजस्य की भावना विकसित कर ली थी। इसके द्वारा उन्होंने ऐसे मास्टरमाइंड का निर्माण किया जो कि यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन की उत्प्रेरक भावना है। शक्ति यानी मानव शक्ति व्यवस्थित ज्ञान है जो कि बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयासों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। किसी भी प्रयास को संगठित या व्यवस्थित तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि प्रयास में संलग्न लोग एक सहचार्य की भावना के साथ अपनी जानकारी और ऊर्जा को समन्वित न करें। इस लेखक के द्वारा एक प्रसिद्ध कॉलेज के छात्रों के साथ मिलकर एक रोचक प्रयोग किया गया। प्रत्येक छात्र को एक निबंध लिखने के लिए कहा गया जिसका विषय था हेनरी फोर्ड कैसे और क्यों धनवान बने। अधिकांश छात्रों ने फोर्ड की परिसंपत्ति से जुड़े वित्तीय आंकड़ों व खोजों को इकट्ठा किया और उन्हें फोर्ड की संपदा के अपने आकलन का आधार बनाने में प्रयुक्त किया। सैकड़ों छात्रों के समूह में से एक छात्र ने अपना उत्तर इस प्रकार दिया था। फोर्ड की परिसंपत्ति में मुख्यतः 2 चीजें शामिल हैं। 1 कार्यशील पूंजी और कच्चा एवं तैयार माल। 2 हेनरी फोर्ड द्वारा अपने खुद के अनुभव से अर्जित ज्ञान तथा एक सुप्रशिक्षित संगठन का सहयोग जो समझता है कि फोर्ड के दृष्टिकोण से इस ज्ञान का अनुप्रयोग सर्वोत्तम लाभ हेतु किस प्रकार किया जाए। लेखक के मतानुसार इन दोनों प्रकार की परिसंपत्तियों के सापेक्षित मूल्य इस प्रकार हैं। फोर्ड संगठन का व्यवस्थित ज्ञान 75%। इस तरह की भौतिक परिसंपत्ति और नकदी का मूल्य जिसमें कच्चा माल और तैयार माल भी शामिल है 25%। निसंदेह हेनरी फोर्ड की सबसे बड़ी संपत्ति उनका खुद का मस्तिष्क है। उसके बाद उनके निकट सहयोगियों के दिमाग आते हैं क्योंकि इन्हीं दिमागों के समन्वय के द्वारा वे भौतिक परिसंपत्तियां अर्जित हुई हैं जिन पर फोर्ड का नियंत्रण है।
फोर्ड मोटर कंपनी के प्रत्येक कारखाने को नष्ट कर दिया जाए, प्रत्येक मशीन को नष्ट कर दिया जाए, कच्चे या तैयार माल के प्रत्येक परमाणु को नष्ट कर दिया जाए, प्रत्येक तैयार कार को नष्ट कर दिया जाए और किसी भी बैंक में जमा उनके प्रत्येक डॉलर को नष्ट कर दिया जाए, तब भी फोर्ड पृथ्वी पर आर्थिक रूप से सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति बने रहेंगे। वे मस्तिष्क जिन्होंने फोर्ड के उद्योग व्यापार का निर्माण किया है, वे अल्पकाल में ही खुद की दोबारा अनुकृतियां बना सकते हैं। फोर्ड के जैसे दिमागों में पूंजी हमेशा ही असीमित मात्रा में उपलब्ध रहती है। इस बात की संभावना काफी अधिक है कि फोर्ड की प्रकृति के नियमों पर उल्लेखनीय अंतर्दृष्टि का विकास पहली बार तब हुआ होगा जब उनका अपनी खुद की पत्नी के साथ मित्रवत गठजोड़ हुआ था। इसके बाद ही उनकी मुलाकात एडिसन या फायरस्टोन के साथ हुई थी। कई लोगों को ये बात कभी भी पता नहीं चल पाती है कि उनकी सफलता का वास्तविक स्रोत उनकी पत्नी के द्वारा मास्टरमाइंड सिद्धांत के अनुप्रयोग के माध्यम से निर्मित हुआ है। मिसेज फोर्ड एक अति बुद्धिमान महिला है और इस लेखक के पास ये विश्वास करने का पर्याप्त कारण मौजूद है कि ये उन्हीं का दिमाग था जिसने फोर्ड के दिमाग के साथ मिश्रित होकर उन्हें शक्ति की दिशा में पहली वास्तविक शुरुआत दी थी। अपने अनुभव के पुराने दिनों में फोर्ड की निरक्षरता और अज्ञानता के शक्तिशाली दुश्मनों से एडिसन या फायरस्टोन की तुलना में अधिक व्यापक रूप से लड़ना पड़ा था। एक अल्पकालीन अल्पावधि के भीतर फोर्ड ने मानव जाति के तीन सर्वाधिक हठी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर दी थी और इन शत्रुओं को अपनी परिसंपत्तियों में रूपांतरित करके अपनी सफलता का आधार तैयार किया था। ये शत्रु हैं अज्ञानता, निरक्षरता और गरीबी। ये उद्योग शक्ति का युग है जिसमें हम रह रहे हैं। इस शक्ति का स्रोत संगठित प्रयास है, औद्योगिक उद्यमों का प्रबंधन और प्रभावी रूप से संगठित कर्मचारियों के अलावा उद्योगों का आपस में विलय भी इस प्रकार के संगठित प्रयासों को अंजाम देता है जिसके परिणाम स्वरूप असीमित शक्ति व्यवहारिक रूप से संचित हो जाती है। ज्ञान अपनी सामान्य प्रकृति या अव्यवस्थित रूप में शक्ति नहीं होता है, ये केवल संभावित शक्ति के रूप में होता है जिसमें से वास्तविक शक्ति का विकास किया जा सकता है। किसी भी आधुनिक पुस्तकालय में सभी प्रकार की जानकारी के अव्यवस्थित रिकॉर्ड मौजूद रहते हैं जो कि हमारी सभ्यता के वर्तमान चरण के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु ये जानकारी शक्ति नहीं है क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं होती है। ऊर्जा के प्रत्येक रूप तथा जंतु या पादप जीवन की प्रत्येक प्रजाति को उत्तरजीविता के लिए खुद को अपरिहार्य रूप से व्यवस्थित और संगठित करना होता है। एक इलेक्ट्रॉन से लेकर ब्रह्मांड के विशालतम तारे तक और इन दोनों के बीच आने वाली प्रत्येक भौतिक वस्तु के द्वारा इस बात का सकारात्मक प्रमाण दिया जाता है कि प्रकृति का पहला नियम संगठन है। वे लोग भाग्यशाली होते हैं जो इस नियम के महत्व को पहचानते हैं और अपने लाभ के लिए इस नियम को लागू करने के लिए विभिन्न तरीकों को खोजना ही अपना कर्म बना लेते हैं। बुद्धिमान उद्यमी व्यक्ति न केवल संगठित प्रयास के नियम का महत्व पहचानते हैं बल्कि वे इसे अपनी शक्ति का आवरण और पोशाक भी बना लेते हैं। इस लेखक का मत है कि वर्तमान में दिमागों को मिश्रित करके शक्ति का विकास करने से दिमाग के रसायन शास्त्र सिद्धांत का सचेतन रूप से प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को दोनों हाथों की उंगलियों पर गिना जा सकता है। किसी भी उद्योगपति के लिए सबसे कठिन कार्य ये होता है कि वो अपने सहकर्मियों को किस प्रकार प्रेरित करे और उनके प्रयासों को सामंजस्य की भावना के साथ कैसे समन्वित करे। किसी भी उपक्रम में कर्मचारियों के एक समूह के बीच निरंतर सहयोग की भावना को बनाए रखना लगभग असंभव हो जाता है। केवल सर्वाधिक प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता ही अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस प्रकार की प्रेरणा दे पाते हैं। उद्योग व्यापार और वित्त के क्षेत्र में जब ऐसे किसी नेता का उभार होता है और तब दुनिया एक हेनरी फोर्ड थॉमस अल्वा एडिसन, जॉन डी रॉकफेलर, ईएच हैरीमैन या जेम्स जे हिल जैसे नामों को सुनती है। शक्ति और सफलता व्यवहारिक रूप से पर्यायवाची शब्द है। कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों में से नहीं पनपता है, इसलिए जो व्यक्ति अलग अलग दिमागों के बीच प्रयास के सहचार्यपूर्ण समन्वय सिद्धांत के द्वारा शक्ति विकसित करने की योग्यता व ज्ञान रखता है वो किसी भी उपक्रम में सफलता प्राप्त कर सकता है।
साहचर्य शब्द का वास्तविक अर्थ लोगों के समूहों के बीच उसी प्रकार से दुर्लभ होता है जिस प्रकार ईसाई कहलाने वाले लोगों में वास्तविक ईसाइयत को खोजना दुर्लभ है। वुड्रो विल्सन ने जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का अपना प्रस्ताव पेश किया था तब उनके दिमाग में विश्व के सभ्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले मानसिक समूहों को मिलाकर एक मास्टरमाइंड विकसित करने का विचार छिपा था। विल्सन की अवधारणा मानव के मस्तिष्क में अभी तक पैदा होने वाला सर्वाधिक दूरगामी मानवतावादी विचार थी, क्योंकि ये पृथ्वी पर एक वास्तविक भाईचारे की स्थापना के लिए पर्याप्त शक्ति उपलब्ध कराने के सिद्धांत से सरोकार रखती थी। राष्ट्र संघ या इसी प्रकार का कोई अंतर्राष्ट्रीय दिमागों का मिश्रण यदि साहचर्य की भावना से किया जाए तो इसका एक वास्तविकता में बदलना निश्चित है। लेखक ने शिकागो की कोऑपरेटिव सोसाइटी के संस्थापक हैरिसन पार्कर के लिए सेल्समैनशिप के एक स्कूल को संचालित करने में सहायता की थी। इसके लिए पुनरुत्थानवादियों के रूप में ज्ञात पुराने धार्मिक गुरुओं द्वारा ईश्वर की भावना के नाम से प्रचलित मास्टरमाइंड जैसे ही एक सिद्धांत का प्रयोग किया गया। इसके द्वारा बिक्री का कोई अनुभव न रखने वाले 3,000 पुरुषों व स्त्रियों के समूह की प्रकृति को इस प्रकार से रूपांतरित किया गया कि उन्होंने 9 महीने से कम समय की अवधि में ही $1 करोड़ मूल्य की प्रतिभूतियां बेच दी और अपने लिए $10 लाख से अधिक की राशि अर्जित की। ये पाया गया कि इस स्कूल में प्रवेश करने वाला औसत व्यक्ति भी एक सप्ताह के भीतर अपनी विक्रय शक्ति के चरम पर पहुंच गया था। इसके बाद व्यक्तियों के दिमाग को एक सेल्स मीटिंग के द्वारा अनिवार्य रूप से पुनः शक्ति प्रदान की जाती है। इन सेल्स मीटिंगों को पुनरुत्थानवादी धार्मिक लोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली आधुनिक सभाओं की तर्ज पर ही आयोजित किया जाता है। इनमें मंच की साज सज्जा, संगीत और ओजस्वी वक्ताओं के अभिभाषणों का प्रयोग किया जाता था। आप इसे धर्म, मनोवैज्ञानिक, दिमागी रसायन शास्त्र या कुछ और कह सकते हैं, लेकिन इस तथ्य से अधिक सुनिश्चित कोई बात नहीं है कि जहां कहीं भी दिमागों के एक समूह को पूर्ण सामंजस्य की भावना के साथ संपर्क में लाया जाता है तो समूह का प्रत्येक दिमाग तुरंत ही एक उल्लेखनीय ऊर्जा से ओतप्रोत और सुदृढ़ीकृत हो जाता है। ये ऊर्जा ही मास्टरमाइंड कहलाती है। मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र मिलकर एक जटिल मशीन का निर्माण करते हैं। जब इस मशीन को समुचित रूप से निर्देशित व नियंत्रित किया जाता है तो आश्चर्यजनक उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। लेकिन यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो ये गंभीर विपत्तियों का कारण बन जाती हैं। मानव मस्तिष्क का सीधा संबंध ऊर्जा के एक निरंतर अंतः प्रवाह से होता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति सोचने की अपनी शक्ति प्राप्त करता है। मस्तिष्क इस ऊर्जा को प्राप्त करता है और इसे शरीर में भोजन द्वारा निर्मित होने वाली ऊर्जा के साथ मिश्रित कर देता है। इसके बाद मिश्रित ऊर्जा को रक्त और तंत्रिका तंत्र की सहायता से शरीर के प्रत्येक भाग में वितरित कर देता है। इस प्रकार ये ऊर्जा हमारा जीवन बन जाती है। लेखक का अनुमान है कि ये ऊर्जा ईथर ही है जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर सांसों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। प्रत्येक सामान्य मानव शरीर एक प्रथम श्रेणी की रासायनिक प्रयोगशाला है जिसमें ऐसे रासायनों का भंडार होता है जो हमारे शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन को विखंडित, मिश्रित और संयोजित करने का कार्य करते हैं। इसके बाद बनने वाले रासायनिक यौगिकों का वितरण शरीर निर्माण की जरूरत के अनुसार शरीर के प्रत्येक भाग में कर दिया जाता है। ये सभी को पता है कि चिंता, उतावलापन या डर पाचन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं और कई अतिरिक्त मामलों में इस प्रक्रिया को रोक भी देते हैं जिसके कारण बीमारी या मृत्यु हो सकती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दिमाग भोजन के पाचन और वितरण की रासायनिक क्रिया में भी दखल देता है। कई विद्वान लोगों का विश्वास है कि भले ही वैज्ञानिक रूप से ये पूरी तरह प्रमाणित न हुआ हो, लेकिन ये एक तथ्य है कि दिमाग या विचार के रूप में ज्ञात ऊर्जा नकारात्मक या असामाजिक इकाइयों के साथ उस हद तक संदूषित हो सकती है कि पूरा तंत्रिका तंत्र ही काम करना बंद कर देता है। पाचन क्रिया में बाधा आने पर कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। वित्तीय कठिनाइयां या अनावश्यक प्रेम संबंध इस प्रकार के मानसिक व्यवधानों के कारणों की सूची में सबसे ऊपर होते हैं। एक नकारात्मक पर्यावरण ऐसे परिवार में देखा जा सकता है जहां परिवार के किसी सदस्य को लगातार ताने मारे जाते हैं या हर बात में उसकी कमियां ढूंढी जाती हैं। इसके कारण उसके दिमाग का रसायन शास्त्र इतना बाधित होता है कि वो सदस्य अपनी महत्वाकांक्षाओं से ही हाथ धो बैठता है और धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में डूब जाता है।
एक पुरानी कहावत सत्य प्रतीत होती है कि एक व्यक्ति की पत्नी उसे बना सकती है या बिगाड़ सकती है। कोई भी हाई स्कूल का छात्र इस बात को जानता है कि कौन सा खाद्य पदार्थ उसके पेट की पाचन क्रिया को बिगाड़ सकता है, तीव्र पेट दर्द कर सकता है और यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकता है। अच्छा स्वास्थ्य एक ऐसे खाद्य संयोजन पर निर्भर करता है जो कि साहचर्यपूर्ण होता है, लेकिन खाद्य संयोजनों का साहचर्य भी अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इसके लिए मस्तिष्क के रूप में ज्ञात ऊर्जा की इकाइयों के बीच भी एक साहचर्य होना चाहिए। जीवन के रूप में ज्ञात ऊर्जा का विखंडन और मृत्यु की शुरुआत तब होती है जब शरीर के अंग सामंजस्य में कार्य करना बंद कर देते हैं। जीवन में सफलता व्यापक रूप से पर्यावरण के साथ अनुकूलन से जुड़ा एक विषय है और इसके लिए व्यक्ति एवं उसके पर्यावरण के बीच साहचर्य का होना जरूरी होता है। एक राजा का महल एक किसान की झोपड़ी बन सकता है यदि उसकी दीवारों के भीतर सामंजस्य ना हो। इसी प्रकार एक किसान की झोपड़ी एक महल की तुलना में अधिक खुशी हासिल कर सकती है यदि उसमें रहने वाला किसान साहचर्य की भावना रखता हो। यदि किसी छात्र को यह लगता है कि लेखक साहचर्य को अनावश्यक महत्व दे रहा है तो यहाँ ये याद रखना होगा कि सामंजस्य या साहचर्य का अभाव सफलता का पहला और प्रायः अंतिम एवं एकमात्र कारण होता है। साहचर्य के बिना कोई भी कविता, संगीत या अभिभाषण लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता है। अच्छा वास्तुशिल्प भी सामंजस्य का ही एक नमूना होता है। सामंजस्य के बिना एक घर निर्माण सामग्री के ढेर के अलावा कुछ नहीं होता। प्रत्येक अच्छी पोशाक पहनने वाला पुरुष या महिला सामंजस्य का सजीव चित्र और जीता जागता उदाहरण है। मानव शरीर अंगों, ग्रंथियों, रक्त धमनियों, शिराओं, मस्तिष्क की कोशिकाओं, मांसपेशियों इत्यादि का एक जटिल संगठन है। शरीर के अवयवी हिस्सों के प्रयासों का समन्वय एवं क्रिया हेतु उद्दीपित करने वाली मस्तिष्क ऊर्जा हमेशा परिवर्तित होने वाली ऊर्जाओं का एक बाहुल्य भी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक दिमाग के बलों के बीच एक निरंतर संघर्ष मौजूद रहता है। उदाहरण के लिए मानव मस्तिष्क की प्रेरणात्मक शक्तियों और लालसाओं के बीच जीवन पर्यंत संघर्ष चलता रहता है जो कि सही व गलत के आवेगों के बीच अपना स्थान बना लेता है और ये प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी तरह से ज्ञात होता है। व्यापार और उद्योग के अलावा राजनीति जैसे अन्य क्षेत्रों में भी नेताओं के लिए लोगों के समूह को संगठित करना और उन्हें बिना किसी आपसी टकराव के दिए गए लक्ष्य की उपलब्धि हेतु प्रेरित करना काफी कठिन होता है। जो नेता सफलतापूर्वक एक मास्टरमाइंड की ऊर्जाओं को विकसित और निर्देशित कर लेता है उसमें चातुर्य, धैर्य, निरंतरता, आत्मविश्वास, दिमागी रसायन शास्त्र की गहन जानकारी तथा चिड़चिड़ेपन का कोई चिन्ह दर्शाए बिना बदलती हुई परिस्थितियों के साथ खुद को तेजी से अनुकूलित करने, पूर्ण ठहराव और सामंजस्य की व्यवस्था में की क्षमता जैसे गुण अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। कितने लोग हैं जो इन गुणों और क्षमताओं को धारण कर सकते हैं? सफल नेता के पास अपने दिमाग के रंग को गिरगिट की भांति बदलने की क्षमता होनी चाहिए और उसे ऐसी हर परिस्थिति के साथ तालमेल बिठा लेना चाहिए जो कि उसके नेतृत्व के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक हो। इसके अलावा उसमें क्रोध या आत्मनियंत्रण के अभाव का कोई चिन्ह दर्शाए बिना एक मनोदशा से दूसरी मनोदशा में खुद को लाने की क्षमता होनी चाहिए। सफल नेता को सफलता के 15 नियमों को अनिवार्य रूप से समझना चाहिए और उसमें इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो इन 15 नियमों के किसी भी संयोजन को अवसर की मांग के अनुसार व्यवहारिक रूप से लागू कर सके। शिक्षा का अर्थ। शिक्षित शब्द के अर्थ की लंबे समय से एक सामान्य गलत अवधारणा रही है। शब्दकोशों ने इस गलत समझ को समाप्त करने में कोई सहायता प्रदान नहीं की है क्योंकि उनमें शिक्षित शब्द को ज्ञान देने की एक क्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। एजुकेट शब्द लैटिन भाषा के शब्द एडुको से बना है जिसका अर्थ है भीतर से विकसित होना, प्रयोग के नियम द्वारा विकसित होना। प्रकृति अपने सभी रूपों से जड़ता या आलस्य से घृणा करती है।
वो केवल उन्हीं तत्वों को निरंतर जीवन देती है जो प्रयोग में होते हैं। अपनी किसी एक बांह या किसी एक शारीरिक अंग को रस्सी से बांध दे और उसका प्रयोग न करें तो वो निष्क्रिय अंग जल्दी ही क्षीण और जीवन रहित बन जाएगा। इसी क्रम को उल्टा करें और एक बांह का उपयोग सामान्य उपयोग से अधिक करें तो वो बांह भीतर से विकसित होकर पहले से मजबूत बन जाएगी। जैसा कि एक भारी हथौड़ा लेकर पूरे दिन काम करने वाले लोहार की मजबूत बांह के रूप में देखा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी मूल्य की शक्ति का स्वामी बनकर ज्ञान का एक चलता फिरता विश्वकोश बन सकता है। वो ज्ञान केवल तभी मूल्यवान शक्ति बनता है जब उसे व्यवस्थित, वर्गीकृत और कार्य रूप में परिणत किया जाता है। एक शिक्षित व्यक्ति वो होता है जो ये जानता है कि अपने सहकर्मियों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य को पाने में जरूरी प्रत्येक चीज को किस प्रकार से अर्जित करना है। एक सफल वकील वो नहीं होता जिसे कानून के अधिकांश सिद्धांत याद होते हैं। एक सफल वकील वो होता है जो ये जानता है कि एक दिए गए केस में कानून का कौन सा सिद्धांत त्वरित जरूरतों के अनुकूल है और उस सिद्धांत को समर्थन देने वाले अभिमत कितने प्रकार के हैं। दूसरे शब्दों में एक सफल वकील वो होता है जो ये जानता है कि जिस कानून को जरूरत के वक्त वो चाहता है वो कानून उसे कहां खोजना है। ये सिद्धांत उद्योग और व्यापार से जुड़े मामलों में भी लागू होता है। हेनरी फोर्ड की आरंभिक शिक्षा नाम मात्र की थी, फिर भी वे विश्व के सबसे शिक्षित लोगों में से एक हैं, क्योंकि उन्होंने प्रकृति और आर्थिक नियमों को अपनी जरूरतों के अनुसार संयोजित करने की योग्यता हासिल कर ली थी। कई वर्ष पूर्व विश्व युद्ध के दौरान फोर्ड ने समाचार पत्र शिकागो ट्रिब्यून के विरुद्ध एक मुकदमा दाखिल किया था जिसमें उस पर उनसे जुड़े कुछ मानहानिपूर्ण कथनों को प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया था। अखबार में उन्हें अज्ञानी या एक अज्ञानी निराशावादी जैसे संबोधन दिए गए थे। जब मुकदमे पर सुनवाई शुरू हुई तो फोर्ड ने खुद ही अपने आरोपों को सिद्ध करने की जिम्मेदारी ली। अखबार के वकील ने फोर्ड से इस बारे में कई सवाल किए जिनमें से कुछ इस प्रकार थे। ब्रिटिश साम्राज्य ने सन 1776 में उपनिवेशकों में होने वाले विद्रोह को दबाने के लिए कितने सैनिकों को भेजा था? फोर्ड ने अपने चेहरे पर बनावटी और शुष्क हंसी के साथ निर्लिप्त भाव से इसका उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि कितने सैनिक थे, लेकिन मैंने सुना है कि वे वापस लौटने वाले सैनिकों से कहीं अधिक संख्या में थे। अदालत में फोर्ड के इस उत्तर के बाद न्यायाधीशों के साथ साथ दर्शक और प्रश्न पूछने वाले वकील भी जोर से हंसने लगे। इसी प्रकार के प्रश्नों को एक घंटे से ज्यादा समय तक पूछा गया। फोर्ड ने खुद को पूरी तरह से शांत रखा और अंत में एक अप्रिय और अपमानजनक प्रश्न से उनका धैर्य टूट गया। फोर्ड ने खड़े होकर प्रश्नकर्ता वकील की ओर उंगली दिखाते हुए उत्तर दिया, यदि मुझे आपके द्वारा पूछे गए ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्नों का उत्तर देना वास्तव में जरूरी है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि मेरे ऑफिस की मेज पर एक घंटी रखी हुई है जिसे मैं उंगली से दबाकर कई ऐसे लोगों को अपने पास बुला सकता हूँ जो आपके द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों के अलावा उन प्रश्नों के भी उत्तर दे सकते हैं जिन्हें पूछने या जिनका उत्तर देने की बुद्धिमत्ता आपके पास नहीं है। अब आप मुझे कृपया बताइए कि मुझे अपना दिमाग ऐसे उलझुल प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बेकार की सूचनाओं से क्यों भरना चाहिए जिन्हें हर कोई पूछ सकता है, जब मेरे पास ऐसे लोग हैं जो कि मेरे द्वारा मांगी गई सारी जानकारियों और तथ्यों को मुझे आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं, तो मुझे इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने की क्या जरूरत है। जज ने अपनी बेंच से आगे झुकते हुए मिस्टर फोर्ड की दिशा में देखा और ज्यूरी के कई अन्य सदस्य भी विस्मित होकर फोर्ड की बात को सुन रहे थे। उस अदालत में एक प्रतिष्ठित पादरी भी उस समय मौजूद थे। उस दृश्य को याद करते हुए उन्होंने बताया कि यह दृश्य उस स्थिति को दोहराता है जब जीसस क्राइस्ट पेंटियस पिलेट के सामने पेश किए गए थे और उन्होंने पिलेट के प्रश्न सत्य क्या है का अपना प्रसिद्ध उत्तर दिया था। इससे यह सिद्ध होता है कि वास्तविक शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क का विकास है, न कि केवल जानकारी को इकट्ठा करना है और उसका वर्गीकरण करना। फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी राज्यों की राजधानियों के नाम शायद नहीं बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने वास्तव में इतनी पूंजी इकट्ठा की है कि उसके द्वारा वे प्रत्येक राज्य के भीतर असंख्य पहियों को घुमाते हैं। फोर्ड अपनी रासायनिक प्रयोगशाला में जाकर पानी को उसके घटक परमाणुओं यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के में पृथक नहीं कर सकते हैं।
और न ही उन्हें उनके पूर्व क्रम में वापस जोड़ सकते हैं। लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें अपने आसपास ऐसे रसायन शास्त्रियों को किस प्रकार रखा है जो उनकी इच्छा पर ऐसा कर सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जानकारी का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग करना जानता है वो उस शिक्षित व्यक्ति से कहीं अधिक बुद्धिमान है जो जानकारी तो रखता है लेकिन ये नहीं जानता कि इस जानकारी का उसे क्या करना है। एक प्रतिष्ठित कॉलेज के प्रेसिडेंट के पास खराब भूमि का एक बड़ा क्षेत्र पैतृक संपत्ति के रूप में उपलब्ध था। उस भूमि में कोई कीमती इमारती लकड़ी, खनिज या अन्य मूल्यवान संसाधन नहीं था और वो उनके लिए खर्च का एक स्रोत बन चुकी थी क्योंकि उन्हें उस पर कर अदा करना पड़ता था। राज्य ने उस भूमि से होकर एक हाईवे बनाया। एक अशिक्षित व्यक्ति जो उस सड़क पर अपनी कार में यात्रा कर रहा था उसने देखा कि वो खराब भूमि एक पहाड़ी के शीर्ष पर थी जहां से सभी दिशाओं में कई मीलों तक का एक मनोरम दृश्य दिखाई देता था। उस अज्ञानी व्यक्ति ने यह भी देखा कि वो भूमि देवदार के छोटे छोटे वृक्षों और अन्य पौधों से घिरी हुई थी। उसने $10 प्रति एकड़ की दर से 50 एकड़ भूमि खरीद ली। हाईवे के निकट उसने एक अद्वितीय विश्राम गृह बनाया जो कि एक बड़े डाइनिंग रूम से जुड़ा हुआ था। उस विश्राम गृह के पास ही उसने एक गैसोलीन फिलिंग स्टेशन खोल दिया। उसने सड़क के किनारे एक एक कमरों वाले एक दर्जन लॉन्ज हाउस बनाए और उन्हें पर्यटकों को किराए पर देना शुरू कर दिया। एक कमरे का किराया प्रति रात्रि $3 था। डाइनिंग रूम, गैलोसीन फिलिंग स्टेशन और लॉन्च हाउस तीनों के द्वारा उसे पहले साल में लगभग $15,000 की शुद्ध आमदनी हुई। अगले साल उसने 50 लॉन्च हाउस और बना दिए जिनमें से प्रत्येक में 3 कमरे थे। उन कमरों को एक निकटवर्ती शहर के लोगों को ग्रीष्मकालीन ग्रामीण आवासों के रूप में पूरे सत्र के लिए किराए पर देने लगा और एक सत्र का किराया $150 था। भवन निर्माण सामग्री की लागत उसके लिए ना के बराबर थी क्योंकि वो सामग्री उस भूमि से ही पर्याप्त मात्रा में मिल गई थी। वही भूमि उस कॉलेज प्रेसिडेंट के लिए मूल्यहीन थी। उन लॉन्च हाउसों से 5 मील की दूरी पर उसी अशिक्षित व्यक्ति ने 150 एकड़ का एक पुराना खेत खरीदा जिसकी कीमत $25 प्रति एकड़ थी और ये मूल्य विक्रेता के लिए बहुत अधिक ऊंचा था। 100 फीट की ऊंचाई पर एक बांध बनाकर उस व्यक्ति ने उस पुराने खेत को एक जलधारा से जोड़ दिया और उस भूमि का 15 एकड़ भाग एक झील में बदल गया। उस झील में उसने मछलियों का पालन करना शुरू कर दिया और इसके बाद खेत को प्लांटों में बांटकर ऐसे लोगों को बेचना शुरू कर दिया जो कि झील के आसपास अपनी छुट्टियां बिताने के लिए विश्राम गृह बनाना चाहते थे। इस साधारण से लेन देन के द्वारा उसे कुल $25,000 का लाभ हुआ और ये लाभ उसे केवल एक ग्रीष्मकाल के दौरान ही प्राप्त हो गया था। फिर भी वो व्यक्ति परंपरागत अर्थ में शिक्षित नहीं था पर उसकी दूरदर्शिता और कल्पना असाधारण थी। कॉलेज के प्रेसिडेंट ने 50 एकड़ भूमि को $500 में बेचा था। अब जरा इस बात पर विचार कीजिए कि हम जिस व्यक्ति को अज्ञानी कहते हैं उसने अपनी अज्ञानता को 50 एकड़ की बेकार भूमि के साथ मिश्रित कर दिया और उसे अन्य चीजों के साथ मिलाकर वार्षिक रूप से इतना लाभ अर्जित किया जिसे मैं अपनी तथाकथित शिक्षा के अनुप्रयोग के द्वारा 5 वर्षों में भी नहीं कमा सकता हूँ। धन कमाने के अवसर आपके आसपास मौजूद रहते हैं। इस पाठ्यक्रम को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आपको उन अवसरों को देखने में सहायता मिल सके कि आप उन अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठा सकें। वेतन भोगी लोग, सेल्समैन, औद्योगिक संयंत्रों के प्रबंधक, व्यापारी, वाहन एजेंट, जीवन बीमा एजेंट, स्कूल शिक्षक, छात्र, बैंकर, बैंक क्लर्क, चिकित्सक एवं दंत चिकित्सक, प्रॉपर्टी डीलर, स्टेनोग्राफर, प्रिंटर, दैनिक मजदूर, वकील, विवाहित लोग इत्यादि सफलता के नियम के इस दर्शन का सर्वाधिक लाभ उठा सकते हैं। सफलता के नियम नामक ये फिलॉसफी सभी वर्गों के लोगों के लिए निश्चित और त्वरित सहायता उपलब्ध करवा सकती है। परिचयात्मक अध्याय का सार संक्षेप। इस सार संक्षेप का उद्देश्य छात्रों को उस केंद्रीय विचार में पारंगत बनाना है जिसके चारों ओर इस अध्याय का विकास किया गया है। ये विचार मास्टरमाइंड शब्द के द्वारा प्रदर्शित किया गया है जिस पर पूरे अध्याय में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। सभी नए विचार विशेषतः अमूर्त प्रकृति के
मानव मस्तिष्क में तभी ठहरते हैं जब उन्हें लगातार दोहराया जाए। इस सुविज्ञात सत्य को पहचानते हुए हम मास्टरमाइंड सिद्धांत को इस सार संक्षेप में एक बार फिर दोहराते हैं। एक मास्टरमाइंड का विकास दो या अधिक दिमागों के बीच पूर्ण साहचर्य की भावना के साथ एक मित्रवत गठजोड़ द्वारा किया जा सकता है। फिर भी कुछ ऐसे दिमाग होते हैं जिन्हें साहचर्य की भावना में मिश्रित नहीं किया जा सकता। ये सिद्धांत रसायन शास्त्र के दृष्टिकोण से इस प्रकार समझा जा सकता है। रासायनिक सूत्र H2O यानी ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन के दो परमाणुओं का संयोजन इन दो तत्वों को पानी में बदल देता है। हाइड्रोजन का एक परमाणु तथा ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर पानी उत्पादित नहीं करेंगे, उन्हें साहचर्य में एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। ऐसे कई तत्व हैं जिन्हें संयोजित करने पर वे हानिकारक पदार्थ से एक घातक विष में बदल जाते हैं, जबकि कई जहरीले तत्व कुछ अन्य तत्वों के साथ मिलाए जाने पर उदासीन और हानि रहित बन जाते हैं। जिस प्रकार कुछ तत्वों का संयोजन उनकी पूरी प्रकृति को बदल देता है, उसी प्रकार कुछ दिमागों का संयोजन उन दिमागों की प्रकृति को बदल देता है, और ये संयोजन या तो एक मास्टरमाइंड का निर्माण करता है या एक अति विनाशकारी दिमाग का। कुछ दिमागों को एक मास्टरमाइंड में संयोजित या समायोजित नहीं किया जा सकता। इस तथ्य को सभी नेतृत्वकर्ताओं को अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। ये नेतृत्वकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को इस प्रकार से समूहबद्ध करे कि जो लोग उसके संगठन में सर्वाधिक रणनीतिक स्थानों पर बैठाए गए हैं, उन लोगों के दिमाग एक मित्रवत और साहचर्यपूर्ण भावना में मिश्रित किए जा सकें। लोगों को इस प्रकार से समूहबद्ध करने की क्षमता ही नेतृत्व का मुख्य असाधारण गुण होता है। स्टील के व्यापार से जुड़ी तकनीकी जानकारियां न होने के बावजूद डेल कार्नेगी ने अपने लोगों को इस प्रकार से समूहबद्ध करके एक मास्टरमाइंड में परिवर्तित कर दिया कि उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान विश्व के सर्वाधिक सफल स्टील उद्योग का निर्माण कर दिया था। फोर्ड अपने उद्योगों के सफलतापूर्ण विकास में आवश्यक ज्ञान के लिए कभी खुद पर निर्भर नहीं रहते थे। कार्नेगी की तरह उन्होंने भी अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जो उन्हें वो जानकारी प्रदान करते थे जो उनके पास नहीं होती थी। इसके अलावा फोर्ड ने ऐसे लोगों का चुनाव भी किया जो सामूहिक प्रयास में सामंजस्य ला सकते थे। स्त्री और पुरुष के दिमागों के मिश्रण से सर्वाधिक प्रभावी गठजोड़ बनता है, और इसके परिणाम स्वरूप एक मास्टरमाइंड सिद्धांत का निर्माण होता है। इसका कारण यह है कि पुरुष और स्त्री के दिमाग पुरुषों के दिमाग की तुलना में अधिक तीव्रता और आसानी के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से मिश्रित हो जाते हैं। एक पुरुष और एक स्त्री के बीच यौन संपर्क के द्वारा भी मास्टरमाइंड के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई जाती है। ये एक ज्ञात तथ्य है कि पुरुष प्रजाति पीछा करने के लिए अधिक इच्छुक या अधिक सचेत होती है। जब एक स्त्री द्वारा प्रेरित किया जाता है तो पुरुष किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य का पीछा आसानी से करता है। इसका प्रथम प्रमाण उन एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में देखा जा सकता है जहां लड़के महिला दर्शकों के सामने खेलते हैं। महिला दर्शकों के बिना फुटबॉल का खेल बहुत ही नीरस और तुच्छ खेल रह जाता है। एक लड़के को जब ये पता होता है कि उसकी पसंद की लड़की ग्रैंड स्टैंड में बैठकर उसका खेल देख रही है, तो वो लगभग सुपरमैन प्रयास के साथ खुद को खेल में पूरी तरह से झोंक देता है। वही लड़का अपनी पसंद की महिला द्वारा प्रेरित किए जाने पर उसी उत्साह के साथ धन अर्जित करने के खेल में भी खुद को झोंक देगा। पर इसके लिए ये जरूरी है कि वो महिला जानती हो कि लड़के के दिमाग को मास्टरमाइंड के नियम द्वारा अपने दिमाग के साथ किस प्रकार से उद्दीपित करना है। दूसरी ओर वही महिला मास्टरमाइंड नियम के नकारात्मक अनुप्रयोग यानी छींटाकशी, ईर्ष्या, स्वार्थीपन, लालच, विलासिता पर आधारित के द्वारा उस पुरुष को निश्चित असफलता के गर्त में धकेल सकती है। स्वर्गीय एल्बर्ट हबार्ड ने इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझा था जब उन्होंने ये पाया कि उनके और उनकी पहली पत्नी के बीच की सामंजस्यहीनता उन्हें असफलता की ओर ले जा रही है, तो उन्होंने जनमत की परवाह किए बिना ही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और एक ऐसी महिला के साथ विवाह किया जिसे उनकी प्रेरणा का मुख्य स्रोत माना जाता है।
हर व्यक्ति में लोकमत के विरुद्ध जाने का साहस नहीं होता, लेकिन कौन बुद्धिमान व्यक्ति हवार्ड के फैसले को उनसे जुड़े सभी लोगों के सर्वोत्तम हित में नहीं मानेगा। जो व्यक्ति अपने 6 मूलभूत भयों, जिनमें से एक है आलोचना का भय, पर काबू पाने की क्षमता रखता है, वो प्रतिकूल विरोधियों से घिरे होने पर भी इस प्रकार के कड़े फैसले लेने में नहीं हिचकेगा। लेखक यहाँ तलाक को उस समय न्याय सिद्ध कर रहा है जब शादी की परिस्थितियां ऐसी हों कि वहां साहचर्य का मौजूद रहना असंभव हो गया हो। यहाँ लेखक का आशय ये नहीं है कि साहचर्य के अभाव को तलाक के अलावा किसी अन्य विधि से खत्म नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे भी उदाहरण मौजूद हैं जहां तलाक जैसे अतिवादी कदम को उठाए बिना ही विरोधाभास के कारणों को समाप्त कर दिया गया और साहचर्य स्थापित किया गया। यहाँ ये याद रखना कि एक दिमाग जो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता, वो अन्य प्रकार के दिमागों के साथ पूर्ण रूप से सामंजस्य बिठा सकता है। इस सत्य की खोज ने कर्मचारियों को नियुक्त करने के तरीकों में व्यापक बदलाव ला दिया है। अब किसी व्यक्ति को केवल इस वजह से कार्यमुक्त नहीं किया जाता है कि वो उस पद के लिए उपयुक्त नहीं है जिसके लिए उसे मूल रूप से नियुक्त किया गया। अच्छा नेतृत्वकर्ता ऐसे व्यक्ति के लिए कोई दूसरा कार्यभार सौंप देता है जिसके बेहतर निष्पादन पर वो व्यक्ति अनुपयुक्त की बजाय एक मूल्यवान व्यक्ति बन सकता है। हालांकि ये परिचयात्मक अध्याय वास्तव में सफलता के नियम कोर्स का एक पृथक अध्याय नहीं है, फिर भी इसमें ऐसे पर्याप्त आंकड़े शामिल हैं जो एक मास्टर सेल्समैन बनने के लिए बिक्री की अभियोग्यता रखने वाले एक छात्र को भली भांति सक्षम बना सकते हैं। एक वाहन निर्माता कंपनी के एक एजेंट ने 12 सेल्समैनों को नियुक्त किया और उन्हें अपने संगठन में 2-2 लोगों के 6 समूहों में बांट दिया। इस विभाजन का उद्देश्य मास्टरमाइंड के नियम को लागू करना था और इसके परिणाम स्वरूप सभी सेल्समैनों ने अपनी बिक्री के नए ऊंचे रिकॉर्ड स्थापित किए। सभी संगठन ने एक 1A Week क्लब बनाया जिसका उद्देश्य ये था कि इस क्लब से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति क्लब की स्थापना के बाद से एक सप्ताह में औसतन 1 कार की बिक्री करेगा। इस प्रयास के परिणाम सभी के लिए काफी विस्मयकारी थे। इस क्लब से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को 100 संभावित खरीदारों की एक सूची उपलब्ध कराई गई। प्रत्येक सेल्समैन अपने 100 संभावित खरीदारों को 1 सप्ताह में 1 पोस्ट कार्ड भेजता था और प्रत्येक दिन उन संभावित खरीदारों से कम 10 लोगों को निजी रूप से फोन करता था। प्रत्येक पोस्ट कार्ड में बिक्री किए जाने वाले वाहन के लाभों का विवरण होता था और एक निजी मुलाकात के लिए निवेदन किया जाता था। निजी मुलाकातों में तेजी से वृद्धि हुई और इसी के साथ बिक्री में भी बढ़ोतरी होने लगी। जिस एजेंट ने इन सेल्समैनों को काम पर रखा था, वो उस सेल्समैन को अतिरिक्त नकद बोनस भी देता था जो सप्ताह में औसतन 1 कार की बिक्री के द्वारा 1A Week क्लब की सदस्यता का अधिकार बनाए रखता था। इस योजना ने पूरे संगठन में एक नई जान फूंक दी थी। इस योजना के परिणामों को प्रत्येक सेल्समैन के साप्ताहिक बिक्री रिकॉर्डों में देखा जा सकता था। इसी तरह की एक योजना को जीवन बीमा एजेंसियों द्वारा प्रभावी रूप से अपनाया जा सकता है। कोई भी उद्यमशील बीमा एजेंट इस योजना का प्रयोग करके सेल्समैनों की समान संख्या के साथ अपने व्यापार को आसानी से 2 गुना या 3 गुना विस्तारित कर सकता है। यहाँ ये सुझाव नहीं दिया जा रहा है कि कोई भी छात्र इस परिचयात्मक अध्याय के सिद्धांतों को सफलता के नियम कोर्स के कम से कम अगले 5 अध्यायों में पारंगत हुए बिना लागू करे। किसी भी सिद्धांत या नियम की निर्णायक परीक्षा इस बात से होती है कि वो वास्तविक रूप से काम करता है या नहीं। मास्टरमाइंड का नियम मजबूत साबित हुआ है क्योंकि ये कारगर है। यदि आप इस नियम को समझते हैं तो अब आप अध्याय 2 की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। अध्याय 2 में आप उन सिद्धांतों के अनुप्रयोग की दिशा में और अधिक गंभीरता एवं गहनता के साथ आगे बढ़ेंगे जिनका वर्णन इस विचारात्मक अध्याय में किया गया है। एक विजेता कभी मैदान नहीं छोड़ता है और एक मैदान छोड़ने वाला कभी नहीं जीतता है। आपके 6 सर्वाधिक खतरनाक शत्रु। अध्याय के उपरांत लेखक के साथ
एक अवलोकन। 6 सर्वाधिक खतरनाक शत्रुओं का नाम है गरीबी का डर, मृत्यु का डर, खराब स्वास्थ्य का डर, प्यार को खोने का डर, वृद्धा अवस्था का डर, आलोचना का डर। पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चीज से भयभीत रहता है। अधिकांश डर अनुवंशिक होते हैं। इस निबंध में आप उन 6 मूलभूत डरों का अध्ययन कर सकते हैं जो आपको सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। आपको ये खोजना है कि 6 में से कितने डर आपको परेशान करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण ये तय करना है कि आप इन डरों पर कैसे विजय पा सकते हैं। इस निबंध का उद्देश्य इस पाठ्यक्रम के माध्यम से पाठकों को इन घातक शत्रुओं से बचाना है जो आपकी पीठ पर लिखे उन 6 अक्षरों के समान हैं, जिन्हें आप आसानी से नहीं देख सकते हैं। इन शत्रुओं को खत्म करने की दिशा में पहला कदम ये होगा कि आप इस बात की खोज करें कि ये शत्रु कहां पाए जाते हैं और आप इन्हें कैसे अपनी ओर खींचते हैं। ये डर अनुवंशिकता के 2 रूपों के माध्यम से अपनी पकड़ बनाते हैं। पहली शारीरिक अनुवंशिकता है, जिसका अध्ययन चार्ल्स डार्विन ने किया था। दूसरी सामाजिक अनुवंशिकता है, जिसके माध्यम से अंधकार युग में रहने वाले लोगों के डर, अंधविश्वास और विश्वास पर पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते आए हैं। पहले हम शारीरिक अनुवंशिकता के उस भाग का अध्ययन करते हैं जो इन 6 मूलभूत डरों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। आरंभ से शुरुआत करते हुए हम खोज पाते हैं कि प्रकृति एक क्रूर निर्माता रही है। जीवन के निम्नतम रूप से लेकर उच्चतम रूपों तक प्रकृति ने उच्चतर और शक्तिशाली जीवों को कमजोर जीवों का शिकार करने की अनुमति प्रदान की है। मछलियां कीटों और कृमियों को शिकार बनाती हैं। मछलियों को पक्षी अपना शिकार बनाते हैं। बहुत सारे उच्चतर जंतु पक्षियों को अपना शिकार बनाते हैं। मानव जंतु जीवन के सभी निम्नतर रूपों को अपना शिकार बनाने के साथ साथ दूसरे इंसानों को भी अपना शिकार बना लेता है। विकास क्रम की पूरी कहानी शक्तिशाली के द्वारा कमजोर के निर्मम विनाश की एक अटूट प्रमाण श्रृंखला को दर्शाती है। इसलिए इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जंतु जीवन के कमजोर रूप शक्तिशाली रूपों से भयभीत होना सीख गए हैं। डर की चेतना प्रत्येक जीवन जंतु में जन्म लेती है। इसलिए डर की सहज भावना का अधिकांश शारीरिक अनुवंशिकता के द्वारा हम तक पहुंचता है। अब हम सामाजिक अनुवंशिकता या विरासत का परीक्षण करते हैं। सामाजिक विरासत शब्द उस प्रत्येक चीज के संदर्भ में प्रयुक्त होती है जिसे हम सीखते हैं या अन्य जीवों के साथ अनुभव और प्रेक्षण से इकट्ठा करते हैं। यदि आप कम से कम अस्थायी तौर पर किसी भी पूर्वाग्रह का निर्धारित अभिमत से अलग हटकर सोचें तो आप 6 खतरनाक शत्रुओं के बारे में सत्य को जान सकते हैं। आपके ये 6 शत्रु हैं गरीबी का डर। गरीबी का डर व्यक्ति की अपने सहकर्मी को आर्थिक रूप से अपना शिकार बनाने की आदत से विकसित होता है। जंतुओं में सहज वृत्ति होती है किंतु सोचने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वे एक दूसरे को केवल शारीरिक रूप से अपना शिकार बनाते हैं। मानव विचार के अपने शक्तिशाली औजार के साथ अपने सहकर्मी को शारीरिक रूप से तो नहीं खाता है, लेकिन वो वित्तीय रूप से खाने में अधिक आनंद महसूस करता है। इस संबंध में मानव इतना बड़ा दोषी है कि लगभग प्रत्येक राज्य और राष्ट्र कमजोर लोगों को शक्तिशाली लोगों से बचाने के लिए अनगिनत कानूनों को बनाने और लागू करने के लिए विवश होता रहा है। वृद्धावस्था का डर। ये डर 2 प्रमुख कारणों से विकसित होता है। पहला, ये विचार कि वृद्धावस्था अपने साथ गरीबी ला सकती है। दूसरा, ऐसी झूठी और निर्दयी पंथवादी शिक्षाएं जो आग और गंधक को इस तरह से मिश्रित कर देती हैं कि प्रत्येक मानव बुढ़ापे से केवल इसलिए डरना सीख गया है कि वृद्धावस्था उसके लिए एक अधिक भयानक और कष्टपूर्ण संसार में प्रवेश करने जैसा बन जाती है। मूलभूत डरों में से तीसरा है खराब स्वास्थ्य का डर। ये डर शारीरिक और सामाजिक दोनों प्रकार की अनुवंशिकता से पैदा होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक शरीर के भीतर एक निरंतर लड़ाई चलती रहती है।
ये लड़ाई कोशिकाओं के समूहों के बीच होती है। एक समूह शरीर की निर्माता मानी जाने वाली मित्र कोशिकाओं का होता है, जबकि दूसरा समूह विनाशक कोशिकाओं या बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं का होता है। इस डर के बीज भौतिक शरीर में ही छिपे होते हैं। प्रकृति की निर्मम योजना में शक्तिशाली कोशिकाओं को कमजोर कोशिकाओं का भक्षण करने की अनुमति होती है और यहीं से बीमारी के डर की शुरुआत होती है। स्वच्छता के अभाव और साफ सफाई के ज्ञान की कमी के द्वारा सामाजिक विरासत भी इसमें अपनी भूमिका निभाती है। इसके अलावा परामर्श के नियम के माध्यम से वे लोग चतुराई से इस डर को हस्तसाधित करते हैं जो स्वास्थ्य की खराबी से लाभान्वित होते हैं। मूलभूत डरों में से चौथा डर है किसी के प्यार को खोने का डर। ये डर पागल खानों को उन्मादी ईर्ष्यालुओं से भर देता है। ईर्ष्या उन्माद का ही एक रूप है। ये तलाक अदालतों को भी भर देता है और हत्या एवं अन्य क्रूर घटनाओं का कारण बनता है। पाषाण युग से ही मानव को सामाजिक विरासत के द्वारा ये डर प्राप्त होता आ रहा है। उस काल में मानव अपने साथी की जीवन संगनी को ही शारीरिक बल के द्वारा चुरा लेता है। अब तरीका बदल चुका है, लेकिन ये प्रथा नहीं बदली है। अब शारीरिक बल की बजाय कीमती आभूषणों, महंगी कारों, आलीशान घरों और आकर्षक परिधानों का सहारा लेकर व्यक्ति द्वारा अपने सहकर्मियों के प्यार को चुराने का प्रयास किया जाता है। मानव अब सुधर रहा है। अब वो बल प्रयोग से बाध्य नहीं करता, बल्कि लोभ लालच में फंसाता है। पांचवा मूलभूत डर है आलोचना का डर। ये डर इंसान को कहां से और कैसे प्राप्त होता है ये तय करना कठिन है, किंतु ये बात सुनिश्चित है कि हर इंसान के भीतर आलोचना का डर मौजूद रहता है। इसी डर के कारण लोग गंजे नहीं होना चाहते हैं। परिधानों के निर्माता इस डर का भरपूर दोहन करते हैं। प्रत्येक मौसम में स्टाइलें बदल जाती हैं और लोग उन कपड़ों को पहनने से डरते हैं जो फैशन से बाहर हो जाते हैं। इस बात का अवलोकन करें कि आप आलोचना के डर नामक इस अदृश्य शत्रु के कारण पुराने कपड़े पहनने में खुद को इतना असहज महसूस करते हैं। छह बुनियादी डरों में से छठा डर सबसे अधिक घातक माना जाता है और ये डर है मृत्यु का डर। लाखों वर्षों से इंसान अपनी मृत्यु के बारे में कहां और कैसे जैसे अनुत्तरित सवालों को पूछता आ रहा है। मैं कहां से आया हूं और मैं मृत्यु के बाद कहां जाऊंगा, ये एक शाश्वत प्रश्न है जिसका उत्तर देने के लिए कपटी और धूर्त लोग तुरंत आगे आ जाते हैं। एक नेता कहता है कि मेरे शिविर में आओ और तुम मृत्यु के बाद स्वर्ग में जा सकते हो। स्वर्ग को एक ऐसे शानदार शहर के रूप में चित्रित किया जाता है जहाँ की सड़कें सोने चांदी एवं बहुमूल्य पत्थरों से जड़ी हुई हैं। मेरे शिविर से बाहर निकले तो तुम सीधे नर्क में जाओगे। इसके बाद नर्क को एक ऐसी दहकती हुई भट्टी के रूप में दर्शाया जाता है जहाँ बेचारा इंसान गंधक में हमेशा के लिए जलने की ताड़ना भुगत सकता है। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मानव जाति मौत से डरती है। उन स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों को धन्यवाद देना होगा जो धीरे धीरे इन छह शत्रुओं की खोज कर रहे हैं। इन शत्रुओं से लड़ने का सबसे प्रभावी औजार है व्यवस्थित ज्ञान। अज्ञानता और डर जुड़वा बहने हैं और ये सामान्यतः एक साथ पाई जाती हैं। प्रत्येक सार्वजनिक पुस्तकालय में मानव जाति के इन छह शत्रुओं को खत्म करने का तरीका खोजा जा सकता है, बशर्ते आप जानते हों कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी हैं। बेंजामिन किड की पुस्तक साइंस ऑफ पावर को पढ़ने से शुरुआत करें। इसके द्वारा आप अपने छह बुनियादी डरों का शिकंजा तोड़ने और उन पर काबू पाने का तरीका खोज लेंगे। इसके बाद एमर्सन का एसे ऑन कंपनसेशन पढ़ें। इसके बाद आत्म सुझाव या स्व परामर्श पर कुछ अच्छी पुस्तकों का चयन करें और खुद को ऐसे सिद्धांतों से परिचित कराएं जिनके द्वारा आपके आज के विश्वास कल की वास्तविकता बन जाए। रॉबिन्सन की पुस्तक माइंड इन द मेकिंग आपको अपने खुद के दिमाग को समझने की दिशा में एक अच्छा आरंभ देगी। सामाजिक विरासत के सिद्धांत के माध्यम से अंधकार युगों की अज्ञानता और अंधविश्वास आप तक पहुंचते हैं, लेकिन आप एक आधुनिक युग में रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रभाव का एक स्वाभाविक कारण होता है।
उन लोगों का अध्ययन करें जिन्होंने भारी संपदा इकट्ठी की है और उन लोगों की उपलब्धियों के कारण की खोज करें। हेनरी फोर्ड एक अच्छी शुरुआत का विषय हो सकते हैं जिन्होंने 25 वर्ष की छोटी सी अवधि के भीतर ही गरीबी को मात दे दी और खुद को पृथ्वी पर सर्वाधिक शक्तिशाली इंसान बना लिया है। उनकी उपलब्धि के पीछे भाग्य या संयोग या किसी चमत्कार का हाथ नहीं था। ये सफलता उन्हें कुछ ऐसे सुनिश्चित सिद्धांतों के सजग पर्यवेक्षण के द्वारा हासिल हुई है जो कि आपके लिए भी उसी तरह उपलब्ध है जिस तरह हेनरी फोर्ड के लिए उपलब्ध थे। हेनरी फोर्ड 6 बुनियादी डरों के द्वारा कभी झुकने के लिए बाध्य नहीं किए जा सके। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप फोर्ड से काफी दूर हैं और आप उनका सटीक रूप से अध्ययन नहीं कर सकते हैं तो 2 ऐसे लोगों का चयन करें जिन्हें आप निकट रूप से जानते हैं। एक व्यक्ति आपके असफलता के विचार को प्रदर्शित करता हो और दूसरा व्यक्ति आपके सफलता के विचार से मेल खाता हो। इस बात की खोज करें कि वे कौन सी चीजें हैं जिन्होंने एक व्यक्ति को असफल और दूसरे व्यक्ति को सफल बनाया है। वास्तविक तथ्यों को प्राप्त करें। इन तथ्यों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया में आप कारण और प्रभाव के बारे में एक व्यापक सीख हासिल करेंगे। कोई भी चीज ऐसे ही या संयोग से घटित नहीं होती है। पृथ्वी पर रेंगने वाले छोटे जीवों से लेकर समुद्र में तैरने वाले जीवों तक और मानव की प्रकृति की विकास क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम या प्रभाव है। विकास क्रम व्यवस्थित रूप से परिवर्तित होता है। इस व्यवस्थित बदलाव के साथ कोई भी चमत्कार नहीं जुड़े होते हैं। समुचित रूप से निर्देशित स्व परामर्श के 1 महीने में ही आप अपने 6 बुनियादी डरों में से प्रत्येक के गले पर अपना पैर रख सकते हैं। निरंतर प्रयास के 12 महीनों में आप इन सभी डरों को एक ऐसे कोने में खदेड़ सकते हैं जहां से ये डर कभी भी दोबारा आपको कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इन 6 बुनियादी डरों को कुचलने के लिए अपने दिमाग में दृढ़ निश्चय का बीज रोपित करें और इसी से आप आधी लड़ाई जीत लेंगे। इस दृढ़ इच्छा शक्ति को अपने दिमाग में बनाए रखें और ये धीरे धीरे आपके 6 घोर शत्रुओं को परिदृश्य से बाहर धकेल देगी, क्योंकि इन शत्रुओं का अस्तित्व आपके खुद के दिमाग के अलावा और कहीं नहीं होता है। शक्तिशाली इंसान किसी से नहीं डरता है, यहाँ तक कि ईश्वर से भी नहीं। शक्तिशाली इंसान ईश्वर से प्रेम करता है किंतु उससे कभी नहीं डरता है। चिरस्थाई शक्ति को डर से कभी विकसित नहीं किया जा सकता। भय के आधार पर निर्मित की जाने वाली कोई भी शक्ति विखंडित और क्षीण होने के लिए बाध्य होती है। इस महान शक्ति को समझने के बाद आप ऐसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कभी नहीं बनेंगे जो दूसरे लोगों के डरों से अपनी शक्ति जुटाने का प्रयास करते हैं और लोगों की अस्थायी निष्ठा प्राप्त करते हैं। एक सुनिश्चित मुख्य लक्ष्य। आप ये कर सकते हैं यदि आपको विश्वास है कि आप कर सकते हो। आप दार्शनिकता के एक ऐसे पाठ्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जो विश्व के इतिहास में पहली बार उन ज्ञात कारकों से संगठित व व्यवस्थित किया गया है जो सफल लोगों द्वारा प्रयुक्त किए गए हैं और सदैव प्रयुक्त किए जाने चाहिए। इस पाठ्यक्रम की भाषा और साहित्य शैली को इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि पाठ्यक्रम को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े लोगों द्वारा आसानी और तीव्रता के साथ आत्मसात किया जा सके। पहले से लेकर आखिरी अध्याय तक इस बात को दिमाग में रखना चाहिए कि इस दर्शन शास्त्र का महत्व केवल अध्यायों में नहीं बल्कि उन विचार अभिप्रेरकों में निहित है जो कि छात्र के दिमाग में इस पाठ्यक्रम के द्वारा उत्पन्न किए जाएंगे। ये पाठ्यक्रम एक मानसिक अभिप्रेरक के रूप में छात्र को उसकी मानसिक शक्तियों का संगठन और निर्देशन करने के लिए प्रेरित करेगा। इस पाठ्यक्रम के छात्र को जीवन के युद्ध में सफल होने के लिए प्रशिक्षण के कार्य में संलग्न होना चाहिए। जीतने के लिए कई कारकों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। एक सुव्यवस्थित सजग और ऊर्जावान मस्तिष्क विभिन्न प्रकार के अभिप्रेरकों द्वारा उत्पन्न होता है। इन सभी अभिप्रेरकों का वर्णन इन अध्यायों में स्पष्ट रूप से किया गया है। संक्षेप में, जिस तरह शरीर को समुचित रूप से विकसित करने के लिए कई प्रकार की व्यवस्थित कसरतें की जाती हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क का विकास करने के लिए कई प्रकार के अभ्यासों की जरूरत होती है। इस दर्शन की तह में जाने से पहले आप ये देखेंगे कि इन अध्यायों को पढ़ने पर आपके भीतर विचारों का एक प्रवाह उत्पन्न होगा जो कि विषयों की एक व्यापक श्रृंखला को समाहित करेगा।
इस कारण से छात्र को ये पाठ्यक्रम पढ़ते या सुनते समय अपने हाथ में एक नोटबुक और पेंसिल रखनी चाहिए तथा दिमाग में आने वाले इन विचारों को तत्काल लिखने की आदत विकसित करनी चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास का अनुसरण करने के बाद आप ये नोटिस करेंगे कि बहुत जल्दी आपका दिमाग एक चुंबक की तरह बन जाएगा, जो हवा की एक पतली परत में से भी उपयोगी विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अपनी खुद की अज्ञानता को समाप्त करना एक लंबा और कठिन कार्य है। मानव जंतु के अध्ययन का सर्वाधिक बेहतर स्थान आपके खुद के दिमाग में है। जब आप अपने बारे में विस्तार से जान लेते हैं तो आप दूसरों के बारे में भी काफी कुछ जान लेते हैं। दूसरों को उनके वास्तविक रूप में जानने के लिए आपको उनका अध्ययन निम्नलिखित तरीकों के द्वारा करना है। उनके शरीर की मुद्रा और उनके चलने का तरीका, उनके बोलने का ढंग, आवाज की गुणवत्ता, तीव्रता और उतार चढ़ाव, उनकी आंखें स्थिर या गतिशील, शब्दों का प्रयोग, उनकी प्रवृत्ति, प्रकृति और गुणवत्ता। इन खुली खिड़कियों के द्वारा आप सीधे सीधे एक व्यक्ति की आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं और एक वास्तविक इंसान पर नजर डाल सकते हैं। इससे एक कदम और आगे बढ़कर आप उनका और भी गहन अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप ये जान लें कि वे कब क्रोधित होते हैं, उनके व्यवहार और बातचीत में धन व संपत्ति कब शामिल हो जाती है, वे कब खाते हैं, वे कब लिखते हैं और कब संकट में होते हैं, वे कब उल्लासपूर्ण और विजयी मुद्रा में होते हैं, वे कब निराश और पराजित महसूस करते हैं, वे खतरनाक प्रकृति की आपदा का सामना कैसे करते हैं, वे दूसरे लोगों पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ने की कोशिश कैसे करते हैं जब उन्हें किसी दूसरे के दुर्भाग्य या सौभाग्य के बारे में पता चलता है, जब वे किसी खेल में हारते हैं या जीतते हैं तो उनका रवैया क्या होता है, जब वे अकेले ध्यानमग्न मुद्रा में होते हैं। जो छात्र इस फिलॉसफी में विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति की बाहरी साज सज्जा, पहनावे और तथा कथित संस्कृति की परत के पार जाकर उसके हृदय की गहराइयों में झांक सकता है और उसके बारे में सब कुछ जान सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा आश्वासन है। ये आश्वासन लेखक के वर्षों के परीक्षण और विश्लेषण के आधार पर ही दिया गया है। कुछ लोग जिन्होंने इस पाठ्यक्रम की पांडुलिपि का परीक्षण किया था, उन्होंने पूछा कि इसे मास्टर सेल्समैनशिप में एक कोर्स क्यों नहीं कहा गया था। इसका उत्तर यह है कि सेल्समैनशिप एक सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है जो कि वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग से जुड़ा होता है, इसलिए इसे सेल्समैनशिप का कोर्स कहना इस पाठ्यक्रम की वास्तविक प्रकृति को संकुचित और सीमाबद्ध करने जैसा होगा। ये सत्य है कि ये पाठ्यक्रम सेल्समैनशिप में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन ये सेल्समैनशिप के अर्थ को एक औसत दृष्टिकोण के बजाय एक गहन और व्यापक अर्थ में प्रकट करता है। इस दर्शन का उद्देश्य ये है कि लोग बिक्री की कला में महारत हासिल करने के साथ साथ न्यूनतम प्रतिरोध और संघर्ष के साथ अपना जीवन सफलतापूर्वक जीने में कामयाब हों। इसलिए ये कोर्स छात्रों को उस सत्य को संगठित करने और उसका प्रयोग करने में सहायता करता है जिसे औसत जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों के द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। मात्र कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की कमजोरियों को दर्शाने वाले सत्य को सुनने के लिए इच्छुक होते हैं।